इंदौर में भाजपा कार्यालय में रेसिडेंसी कोठी तक बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया और नगर अध्यक्ष गोपी नेता सहित 350 लोगों पर संयोगितागंज पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ रेसिडेंसी कोठी पहुंचे थे। वहां अफसरों के नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने संभा आयुक्त आकाश त्रिपाठी के बंगले पर धरना दे दिया। प्रशासनिक अफसरों से रिपोर्ट मिलने के बाद संयोगितागंज पुलिस ने भादवी 1973 की धारा 144 का उल्लंघन पाए जाने पर विजयवर्गीय, सांसद लालवानी के साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी नेमा, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। अफसरों के अनुसार 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बंगले के बाहर 15 मिनट तक धरना दिया था। रेसिडेंसी कोठी पर हुए प्रदर्शन के संबंध में कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा, और शंकर लालवानी जी, सांसद, और महेंद्र हाडिया जी, रमेश मेंदोला जी और नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा जी के विरुद्ध, और उनके साथ में लगभग 350 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 IPC का प्रकरण थाना संयोगितागंज में पंजीबद्ध किया गया है। हाँ, इसमें चूँकि शहर में धारा 144 लगी हुई है और उसी संबंध में धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दरअसल देर रात को विजयवर्गीय सहित 350 कार्यकर्ताओं पर चार धाराएं 143, 149, 153 और 506 लगा दी गई, जिसमें अवैधानिक तरीके से इकट्ठा होना और जान से मारने की धमकी देना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।